हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दफे से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई जो है ना, बांग्लादेश में फिर से हिंदूज पे ना बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हो रहा है। उनपे मतलब उनको मार रहे हैं, उनपे जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। तो उसी पे नाजिया इलाही खान का आज इंटरव्यू होने वाला है। वो क्या कहती है इस हवाले से, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। रियल एंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो है, वो भी जाके जरूर देखना। हमारे वीडियो को भी एंड तक देखना। देखते हैं आज की वीडियो। इस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है। क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए, हमने हिंदू जेनोसाइड हमने अफगानिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मोपला में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मालाबार में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने श्रीलंका में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड अभी कुछ दिन पहले हमने बहराइच में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी अभी कुछ दिन पहले हमने संबल में देखा। एएसआई की टीम आई मस्जिद का सर्वे करने के लिए, लीजिए भाई ये शांति प्रिय पत्थर प्रिय हो गए, खड़े हो गए। मोर देन 40 पुलिस ऑफिसर आर इंजर्ड। जो मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट्रिक सिटी की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को अनाज की जरूरत है अभी पाकिस्तान की तरह, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, आरडीएक्स का, एम्यूनेशन का, बम गोला बारूद का और ड्रोन का और जेट का, किसको मारने के लिए? 7% हिंदू को मारने के लिए। कई मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे, हम लोग किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे, हम ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर शरिया कानून चलाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के बुत परस्ती होने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के काफिर को रहने नहीं देंगे। ये वो मुसलमान कह रहा है जिस मुसलमान को चिन्मय प्रभु ने घर में जा करके खाना दिया। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूं कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। वेरी गुड मॉर्निंग शुएब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। नादिया जी, क्या कहना चाहेंगी, ये हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। और मतलब वीडियोस बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वीडियो सामने आ रही हैं कि ऐसे तशद्दुद किया जा रहा है, मारा जा रहा है और रोका जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब मेरे लिए हैरान करने की तो शोएब कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जहां पर भी पाकिस्तान का इंटरवेंशन चला जाता है, वो देश, वो शहर, वो राज बर्बाद हो ही जाता है। और 1971 का एक वेंडेटा, एक बॉक्स जिसको हम बहुत प्योर उर्दू में कहते हैं, वो तो बांग्लादेश बना था, उसका पाकिस्तान लेकर के बैठा ही हुआ था। क्योंकि जिस हिसाब से 1971 में भारत ने हेल्प करके, बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मदद करके, उन्होंने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला था और पाकिस्तान की नजरों के सामने शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, उसके बायलेटरल रिलेशन, उसकी ट्रीटी, उसका एडुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना खूबसूरत हो रहा था, और जिस हिसाब से संविधान के द्वारा बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में काम हो रहा था,
ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब आती है बात कि आपने कहा कि हिंदू सीधा बॉर्डर पर चले गए, डेफिनेटली मुझे भी इसका पूरा आइडिया है क्योंकि पश्चिम बंगाल के बशीरहाट हाड़वा में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और वहां पर जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं दिवाली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ जी, बांग्लादेश आपको और बॉर्डर भारत पे बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और उस वक्त जिस हिसाब से बांग्लादेश आ करके बहुत ही वहां की आर्मी और वहां के BSF CISF आ करके जिस हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से मिले थे, इस बार हमने देखा कि जब हाड़वा बशीरहाट के बॉर्डर पर जब लोग पहुंचे हैं, वहां पर हिंदूज पहुंचे हैं, हमारे बंगाल के आइस्कॉन टेम्पल के साधु संत महंत पहुंचे हैं, तो आर्मीज का वहां की आर्मीज का एक अलग ही रवैया हमने देखा बांग्लादेश की आर्मी का। वहां के लोग जो आर्मी है वो कुछ जमाती टाइप की हो चुकी है, तो ये बहुत पहले भारत को कर देना चाहिए था। अब ठीक तो है साढ़े चार महीना हो चुका, बहुत पहले करना नाजी चाहिए था, बहुत लेट से जी किया है। जो एंड द सेकेंड थिंग इज के हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना सही चाहिए, बात ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान सही भेजना। बात है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है मीडिया पे, कि जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ, ऐसी खबर आए कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे ख्याल से। और सेकेंडली मैं इस चीज पे हैरान हूं, जो आज से 4 माह 5 माह पहले वो लोग जो ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यूथ नौजवान उठे हैं, तो स्टूडेंट्स उठे हैं, स्टूडेंट्स उठे हैं और उन्होंने चेंज कर दिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड पे कर दिया है, शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना, थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ इन टच होना। अगर स्टूडेंट्स ऐसा इनकलाब लाएं किसी भी कंट्री में, मैं बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में अगर ऐसा इनकलाब लाएं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो जहालत ही है, इससे बेहतर तो फिर मतलब जो अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, वो अगर पहले अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, करप्ट गवर्नमेंट थी, तो इससे बेहतर तो फिर वही थी जो मतलब हालात अपने कंट्री के बेहतर करने की बजाय मजीद खराब करती नजर आ रही है। और वैसे भी नादिया जी क्या लगता है, इलेक्शन तो मतलब जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट कहीं पे भी होती है उसका तो ये होता है ना कि 1-2 माह में कुछ इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट है उसके हाथ किया जाए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज़मान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था, एक्सट्रीम वायरल हुआ था, जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज़मान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है और जमाते इस्लामी का काम वो करते हैं, तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज़मान सिर्फ अकेले नहीं है बल्कि डॉक्टर शहीदुज़मान जैसे कई पाकिस्तानी पॉपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे थे। जैसे बांग्लादेश में एक गार्डन है, बांग्लादेश में एक गार्डन है जिसका नाम है, मैदान है जिसका आज भी नाम पाकिस्तान मैदान है। उस पाकिस्तान मैदान के सामने में एक बिल्डिंग है जिसमें इंडियन करेंसी छप रही थी, और जब वहां से 27 लोग, 2017 की बात मैं बता रही हूँ, और जब वहां से 27 लोग अरेस्ट हुए थे तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखिए कि 1 महीना पहले हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में एक मदरसे के अंदर इंडियन करेंसी 100-100 का जो नोट होता है भारत का, वो छपाई हो रही थी जिसमें पाकिस्तानी लिंक जो है वो पाया गया, पाकिस्तान की तरफ से अकाउंट से पैसा आना जाना और पाकिस्तान से बातचीत करना, ये सारी चीजें पाई गई हैं। अब आती है तीसरी बात। आपने कहा कि क्या स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि होना भी चाहिए, लेकिन उसका रीजन वैलिड होना चाहिए। बिल्कुल अगर ऐसे शिक्षा के स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत अच्छी बात है,
अगर समाज को ठीक करने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी हम्म, बात है। अगर युवाओं के अंदर वल्गैरिटी बढ़ रही है, उसको खत्म करने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर सोशल मीडिया को यंगस्टर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर फीस कम करने के लिए, एडुकेशन के जो चार्जेस लगते हैं, पैसे लगते हैं, उसको कम करने के लिए अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट नकाबपोश आतंकवाद बन जाए, तो उसको फिर स्टूडेंट कहा ही नहीं जाता है, उसको एक हाथी का दांत कहा जाता है, जो दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। अब अभी देखिए, अभी से सिर्फ 7 घंटे पहले की खबर है कि बांग्लादेश के वही प्रोफेसर शहीदुज्जमान ने पाकिस्तान से JF-17 जेट मंगवाया है। किसके लिए मंगवाया है? जो 7% हिंदू बचे हुए हैं उनको जड़ से खत्म कर देने के लिए, मार देने के लिए मंगवाया है। और देखिए, हालिया में जाकिर नायक ने जब पाकिस्तान विजिट किया था, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी मौलवी मुल्ला टाइप के हैं, खारी टाइप के हैं, आलिम दीन टाइप के हैं, मौजिन और इमाम टाइप के हैं, वो बलात्कार का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं की मंदिर को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो भगवान की प्रतिमा को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं को आघात पहुंचाने का समर्थन कर रहे हैं, वो बहु बेटियों का बलात्कार जो बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं, उनके वर्जाइना में शराब की बोतल ठूस रहे हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो हिंदुओं की बहु बेटियों को सरेआम बाजार पे नंगा कर रहे हैं, उनका कपड़ा खोल रहे हैं, ये हमारे मुसलमान आलिमे दीन उसका समर्थन कर रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसा इस्लाम बन चुका है? क्या ये सच में अल्लाह तबारक ताला का इस्लाम है? क्या ये सच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है? इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ एक प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए कि भाई ये जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम का मतलब जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो बांग्लादेशी है, कहाँ कहीं से भी है, क्या वो ही प्रॉपर इस्लाम में वो बताया गया, कुरान पाक में वो चीजें बताई गई हैं? क्या ये बताया गया कि आप शिया सुन्नी के नाम पे लड़ो, पारा चिनार में 150 के करीब लोगों की, अभी एक हफ्ता पहले पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश में सुन रहे हैं हिंदू मुस्लिमों का ये मसला चल रहा है, हिंदुओं पे जुल्म, इंडिया में कहीं पे हमें खबर ये आती है जी मुसलमान ये कर दिया, इंडिया हिंदू ने ये कर दिया, कहीं झूठी सच्ची एक जगह, लेकिन समझ आती है हाँ यार दो कम्युनिटी के लोग हैं कहीं ना कोई ऐसा। और मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं किस मुंह से बात करूं बांग्लादेश की, किस मुंह से बात करूं इंडिया की, जब अपने घर में दो मुसलमान लड़ रहे हैं, उधर तो फिर कहीं ना कोई लॉजिक बनता है, हाँ यार हिंदू ने ऐसा कह दिया, मुसलमान ने अटैक कर दिया, मुसलमान ने ऐसा कह दिया, हिंदू ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान में क्या लॉजिक होगा कि एक मुसलमान ने ये कह दिया कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, दूसरे मुसलमान ने कहा नहीं मैं सच्चा हूँ, चलो जी अब जंग होगी। और ये मेरे लिए तो बड़ी हैरत वाली बात है, एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बींग, मैं ये नहीं कह रहा एज ए मुसलमान, एज ए कुछ, एज ए ह्यूमन बींग मैं ओपनली इस चीज को कंडेम करता हूँ जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, या पूरी दुनिया में कहीं पे भी मिनोरिटीज के साथ किसी भी कम्युनिटी के साथ कुछ हो रहा है उसको मैं कंडेम करता हूँ अपने चैनल के थ्रू। और साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान से वो लोग जो ये कहते हैं फलस्तीन में जुल्म हो गया, वो लोग ये जो ये कहते हैं जी इंडिया ये कर देता है, जुल्म कर देता है, उन्हें बकायदा तौर पे नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये कहना चाहिए, हमारी आम पब्लिक को चौक चौराहे पे खड़े होकर कहना चाहिए, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे सोशल मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहिए कि बांग्लादेश में गलत हो रहा हो है, रहा है गलत फिर मैं बिल्कुल। समझूंगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जी जो भी खबर है वो बताई जाती है। अगर आप एक साइड दिखाते हो वो भी अपनी मर्जी की, तो वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। नाजिया जी मैंने वीडियो देखी, एक नहीं काफी वीडियोस देखी, जिसमें बांग्लादेश के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो इंडिया में आके अभी भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और बकायदा तौर पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक साइड पे मतलब मुस्लिम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, एक साइड पे वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, दूसरी साइड पे मुसलमानों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, फिर उसके ऊपर उसके बाद में आपसे एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करूंगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसानियत हिंदू कभी छोड़ नहीं पाता है, ह्यूमैनिटी कभी हिंदू छोड़ नहीं पाता है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है, और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है, ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है, ताकि उनसे फायदा लेते रहे और इन्हीं की बहू बेटियां लूटते रहे और इन्हीं का नुकसान करते रहे। अब हमारे बांग्लादेश के जो महाप्रभु हैं, आइस्कॉन टेम्पल के चिन्मय जी,
उनके जी साथ में उनकी कई बार नेशनल न्यूज पर मैं बैठी। उन्होंने तकरीबन 25 साल से ज्यादा, और आइस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक ब्याही हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मयी प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। ये थी आज की वीडियो की याद। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा जुलम हो रहा है हिंदुओं पे, वहां पे वो बोल रहे हैं कि इनको जो है ना हम जड़ से ही खत्म कर देंगे। कितना आप बोले ना, मतलब वो हमारी जरा राय का किसी जड़ तो खत्म कर दो, खुद हो जाना आंदा है। सही बात है यार, कितना गलत जो है, बहुत ज्यादा अच्छा बुरा मुझे लगा ये, है वो अच्छा ही है। बहुत बुरा लगा यार वो आपके लिए। उन्होंने अब हमारा आपका मतलब पाकिस्तान इंडिया के जितना मर्जी खिलाफ से, लेकिन उन्होंने एक अलग कंट्री हमें लेकर इनको हाँ दिया, बांग्लादेश को 1971 की वार हाँ जितवाई, इनको अलग देश बनवा के दिया। तो इसलिए दिया था कि वो उन्हीं को उन्हीं के हाँ सर पे चढ़ बैठे, इसलिए नहीं था उन्होंने दिया। उन्होंने सोचा था कि चलो भाई किसी की मदद करनी चाहिए, उन्होंने आपकी मदद की। लेकिन ये आज ये अपनी शायद हिस्ट्री भूल गए हैं कि जो हमें आजादी दिलवाने में उनका कितना बड़ा हाथ था, उनकी आर्मी का, उनकी कंट्री का। लेकिन ये आज भूल चुके हैं इस चीज को और जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा गलत है। कसम से इतना बुरा लगता है हमें। देखो जो लड़कियां उनकी इज्जतें लूट रहे हैं, उनको चौराहे पे रख के उनकी जो है कपड़े उतार के फाड़ रहे हैं, नंगा उनको बोल रहे हैं, घसीट रहे हैं, क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं। क्या मतलब उनका कसूर है कि वो आपके कंट्री में रहते हैं? है तो वो आपके कंट्री के ही ना। उनका उनका घर वही है तो वो वहीं रहना हाँ, चाहिए। तो ये अब इंडिया ने एक्शन लिया कि इनके साथ पूरी की पूरी ट्रेड जो है खत्म कर दी जाए। इनको जो हम अनाज बिजली बिजली हमें इनकी सारा की सारी बिजली का इन्हसार इंडिया पे है। इनका जो है हाँ ना एक ज्यादा अडानी, मुल्क बंद हो जाना। हाँ अडानी सारी इनको बिजली देता है। तो अब वही बंद कर देंगे तो इनका कंट्री कैसे चलेगा? बिजली के बिना तो आपको पता है कंट्री चल ही नहीं सकता। तो इनका अब सही इलाज करना पड़ेगा, फिर ही ये जो बंगाली है ना सही इनको होश आएगी। इतनी जाहिल अवाम बन चुकी, इतनी ज्यादा जाहिल। शेख हसीना में सही थी, आप बोल रहे हैं ना कि शेख हसीना भगोड़ी बागी, ये वो एक अच्छी लेडी थी। उसके दौर में तो कभी ऐसा नहीं था हुआ कि मार कटाई तो ये वो इस तरह से कभी नहीं था। उसने कंट्री कंट्री को कंट्रोल किया हुआ था। ये यूनस जब से आया है ना, इसने दंगे फसाद करवा दिए हैं, इसने लोगों को आपस में लड़वा दिए। पता नहीं लोगों के जहन में इसने क्या जहर घोल दिया, डाले इमरान खान ने। हैं इमरान खान हाँ इमरान खान ने जो डाला हुआ है ना जहर, इसी तरह से इसने भी लोगों के जहनों में जहर डाल दिया। और फिर लोग जो है वो मार अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो कि कितनी ज्यादा गलत चीज है। खून बहा रहे हैं, अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को, खास तौर पे जो हिंदुओं की जानों को जाया कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। अब इंडिया क्या, पूरी दुनिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए। फलस्तीन पे तो सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये है वो है, इस पे भी अभी बोलना चाहिए ना कि हाँ भाई उन पे भी जुलम हो रहा है, वो भी तो इंसान है। मैं तो बोलती हूँ कि भाई ये बहुत ज्यादा गलत है, हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन पे दबाव डालना चाहिए। तो फिर ही जो हो सकता है ना कि वो इस हरकत इंडिया से, इंडिया ने आपे रन पे ही कर ला। हाँ हमें जब वो ट्रेड बंद कर देंगे ना सब कुछ है ना, खाना पीना बंद कर देंगे, ये घुटनों पे खुद ही आ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना। फिर मिलते हैं कोने दिन, थैंक यू।